तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको जेसीबी की खुदाई। वैसे यहाँ पर खंबा लगाया जा रहा है, खुदाई नहीं हो रही है। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? दोस्तों, ओप्पो A78 5G स्मार्टफोन को मैं लगभग 15 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और आज की इस वीडियो में मैं इसी स्मार्टफोन का डिटेल्ड 15 डेज वाला रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि ये वाला स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोन के डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन के मामले में लिटरली भाई काफ़ी अच्छा काम किया ओप्पो ने, काफ़ी गुड लुकिंग लगता है स्मार्टफोन देखने में। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ फ़ोन की डिस्प्ले की, तो फ़ोन के अंदर हमें 6.56 इंचेस की HD+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। लास्ट 15 दिन के डिस्प्ले एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा मेरा स्मार्टफोन के साथ में। साथ ही दोस्तों 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया भाई, सारी डे टू डे टास्क ना काफ़ी स्मूथली तरीके से आपके हो जाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ओप्पो का स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 के साथ में आता है, जहाँ पर दूसरी कंपनियाँ अभी भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 दे रही हैं, लेकिन ओप्पो ने यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉयड 13 दिया है भाई, अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों इसमें हमें कलर ओएस का लेटेस्ट वर्जन भी देखने को मिल जाता है, कलर ओएस 13। और अब बारी आती है दोस्तों फ़ोन के चिपसेट की। तो फ़ोन के अंदर हमें डायमंडसिटी 700 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों, लास्ट 15 डेज एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, डे टू डे परफॉर्मेंस के टास्क मैच पे काफी इजीली कर पाया। साथ ही भाई गेमिंग एक्सपीरियंस भी मेरे इस फोन के साथ में काफी बढ़िया रहा, क्योंकि 90 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट दिया गया भाई, स्मूथली वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की। तो फोन के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और दोस्तों, जो इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा है ना भाई, काफी अच्छी फोटोज और वीडियोस आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही कंपनी ने फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। अगेन, सेल्फी कैमरा से भी आप काफी अच्छी फोटोज और वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप इस फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की। तो ओप्पो का स्मार्टफोन 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है भाई। लास्ट 15 डेज एक्सपीरियंस के हिसाब से ना, मुझे 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप काफी आराम से मिल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो ये स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों 3.5mm जैक भी हमें फोन के अंदर दिया गया है। और म्यूजिक लिसनिंग के लिए यहां पर भाई फोन के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं, काफी अच्छी वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं, कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा ही आ जाएगा। और सिक्योरिटी के लिए हमें फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफी फास्ट वर्क करता है, प्लस लोग भी दिया गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों ओप्पो A78 5G स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो इस फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 19,000 रुपए। और दोस्तों, अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इस स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए भाई, अगर आपको ओवरऑल डिजाइन के हिसाब से एक परफेक्ट बैलेंस्ड फोन चाहिए ना भाई, जिसमें आप गेमिंग भी कर पाओ, बैटरी और फास्ट चार्जिंग भी एकदम बढ़िया वाली दी गई हो, तब भाई आप यहां पर डेफिनेटली ओप्पो A78 5G स्मार्टफोन को जरूर से बाय कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इस स्मार्टफोन के लिए। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग फोन्स के रिव्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।